महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना को ताबड़तोड़ ऐसे झटके दिए जिससे शिवसेना को बीएमसी की गद्दी हाथों से फिसलती दिखाई पड़ने लगी है। दरअसल बीएमसी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई आश्रय योजना पर जांच की तलवार लटक गई है और दूसरे कोंकण इलाके में नारायण राणे की सियासत के सामने एमवीए गठबंधन को मात खानी पड़ी। मामला कोंकण का है इसलिए बीएमसी के चुनाव पर उसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है और दूसरा मामला तो सीधा बीएमसी के भ्रष्टाचार से जुड़ा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिवसेना को बड़ा झटका देते हुए बीएमसी की आश्रय योजना की जांच कराए जाने के आदेश दिए। राज्यपाल ने इस मामले में महाराष्ट्र के लोकायुक्त को जांच के आदेश दिए। बीजेपी का आरोप है कि 1800 करोड़ का घोटाला बीएमसी की आश्रय योजना में हुआ। आश्रय योजना को लेकर बीजेपी के आरोपों के मुताबिक सीवीसी नियमों का उल्लंघन करते हुए नियम के मुताबिक अगर किसी टेंडर में कोई एक ही पार्टिसिपेशन हिस्सा लेता है तो टेंडर वापस बुलाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आश्रय योजना के तहत बीएमसी कर्मचारियों के लिए घर बना रही थी। बीजेपी का आरोप है कि बीएमसी और शिवसेना ने 1800 करोड़ रुपए का घोटाला किया। बीजेपी ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर इस मामले की शिकायत की थी और लोकायुक्त से पूरे मामले की जांच की मांग की। वहीं दूसरी तरफ सिंधुदुर्ग जिला बैंक चुनाव को लेकर भाजपा और शिवसेना में खींचतान चल रही थी। इस चुनाव में 19 में से 11 सीटों पर भाजपा समर्थक उम्मीदवारों की जीत हुई। इलाके के बाद कोंकण के बीजेपी कार्यकर्ता जश्न के मूड में हैं। 8 जगहों पर शिवसेना कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई। उसके बाद कोंकण में नारायण राणे के वर्चस्व को और बढ़ते देखा गया। सतीश सावंत इस चुनाव में एमवीए सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिनके राजनीतिक कद पर बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पीढ़ी को भी हार का सामना करना पड़ा। कोंकण में राणे ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि इस इलाके में उनके वर्चस्व में कोई कमी नहीं आई है। इस चुनाव में एमवीए सरकार की तरफ से सहकार समृद्ध पैनल और बीजेपी की तरफ से सिद्ध विनायक समृद्ध पैनल मैदान में था।